गुड इवनिंग बेटा, सभी का ढेर सारा स्वागत करते हैं आज के सेशन पर। जल्दी सभी लोग फटाक जुड़ते हैं और आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। कैसे सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे। चलो जल्दी से फटाक से जुड़ते हैं और आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.5। 4.5 से रिलेटेड जो बचे हुए क्वेश्चन है, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ईच क्वेश्चन रिमेनिंग जो भी है। तो जल्दी से सभी लोग फटाक से जुड़ते हैं और आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। मानवी, अमित, विजय, रवि, सुमित, भूमिका, जलाल, मुस्कान, पवन, जतिन, आदर्श, शलोनी, सभी को गुड इवनिंग। नितिन, जल्दी से सभी लोग फटाक से जुड़ते हैं और आज का ये जो लेक्चर है, जो सेशन है, कायदे से अपन लोग इसको समझते हैं। सर, ये क्वेश्चंस लगेंगे कैसे, एक्चुअल में है क्या, वो सब बहुत ही सिंपल है। उस पर बहुत कुछ नहीं है, बहुत कुछ इश्यूज नहीं है। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ी सी केयर करनी है। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान और केयर दे दी तो ये एकदम इजी एक्सरसाइज। चल, ज्योति आ गए सभी लोग, अवनी, पवन। चल, एक्चुअल में आज क्या है, कल कुछ पार्ट हम लोगों ने क्वेश्चंस के किए थे, आज हम लोग उससे रिमेनिंग देख रहे हैं। उससे रिमेनिंग का मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है बेटा, कभी कभी क्या होगा, जैसे एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और उस क्वेश्चन के बाद उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो कल हम लोगों ने बेटा क्वेश्चन नंबर कुछ क्वेश्चन किए थे। नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते पुनीत, भूमिका जलाल, शिवम, फतेहचंद, अंजलि, शुभम, सभी लोग जल्दी से आगे जुड़े। और कल जहां तक हम लोगों ने क्वेश्चंस किया था, आज उसके आगे हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। कल हम लोगों ने बेटा क्वेश्चन नंबर 12 किया था, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं। आज अपन लोग क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बेटा, ए इज इक्वल टू 3-1 -1 और 2, और फिर कह रहा है दर्शाइए कि, दर्शाइए कि ए स्क्वायर -5a +7i इक्वल टू 0। इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान से देखना, नजरें स्क्रीन पर हो, नजरें इस नजरें स्क्रीन पर हो और ध्यान से। चलो ठीक है, नमस्ते सभी को, नमस्ते रितेश, भूमिका जलाल, आदर्श, मिष्टी पांडे, अमित। चलो अब कमेंट रोकते हैं थोड़ी देर, एकदम कमेंट नहीं करना, सभी को राम राम। कमेंट बिल्कुल नहीं करना, कमेंट रोकते हैं और इधर नजरें स्क्रीन पर लाओ। सबसे पहले तो वी हैव टू शो दैट ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सेवन आई इक्वल टू 0। वी हैव टू शो, हमको दिखाना है, सो दैट अपन को यह दिखाना है कि, यशविता देखते हैं बेटा, यशविता क्या दिक्कत है, मैं चेक करता हूं। अभी अभी मैंने बहुत ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं जब से आया हूं लगातार क्लासेस ले रहा हूं, तो देखता हूं तो बताता हूं बेटा। यशविता जैसा होगा मैं ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा आपको, ठीक है। चलो यहां देखो, शो दैट ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सेवन आई इक्वल टू 0। तो सबसे पहले अपन को यह दिखाना है कि इतने बराबर 0 होगा, तो क्या करेंगे बहुत ध्यान से। पहले तो यहां पर ए स्क्वायर की जरूरत है, तो ए स्क्वायर निकाल लो। ये ए है, ए स्क्वायर कैसे आएगा, ए क्रॉस ए करोगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ए क्रॉस ए। अगर ए क्रॉस ए कर रहे हैं, ए क्या है बेटा 3-1 -1 और 2, और दूसरा क्या है 3-1 -1 और 2। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा बेटा मल्टीप्लाई कराने पर, 3-3 जा 9 और 1, 3-3 जा 9 और 1 -1, 3-1 जा 3 +2, इसका मल्टीप्लाई 3 और इसका मल्टीप्लाई -2, इसका मल्टीप्लाई माइनस, बोर्ड से परेशान हो जाता हूं, कुछ भी लिखो गायब हो जाता है। सुनाया हेलो, इधर वीरेन सिंह, यहां क्या लिखना था यार, 3-1 जा 3 1-2 जा 2 -3 -2 -1 और +2 +2, इधर जाएंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 8, ये आएगा 5 और ये आएगा -5 और ये आएगा
वन चेक कर लो, यही आ रहा है, चेक करो फटाक से, यही आ रहा है सभी लोग। बेटा देखता हूं बेटा डैशिंग साइंटिस्ट शिवम। अब अगर ए स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई बेटा, तो 5a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5a की वैल्यू का मतलब है यहां पर सारी वैल्यूज रखते, ए स्क्वायर की जगह अपन लोग ये रखेंगे, ए स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, 8 5 माइनस 5 और 1 माइनस 5a। a क्या है हमारा, a हमारा ये है, अगर a में 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक एलिमेंट में 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, क्योंकि ये मैट्रिक्स है। शिवम मुस्कान इधर गौरव, 5 का मल्टीप्लाई कराओगे, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 1 जा माइनस 5 और 5 2 जा 10 प्लस 7 आई लिखा हुआ है, प्लस 7 आई, 7 आई का मतलब जानते हो, आई 1001, तो मल्टीप्लाई करा दो 7 का, 7 1 जा 7 007, चेक करना इसके बराबर अपन को जीरो दिखाना है, बहुत ध्यान से। नदीम स्वागत है बेटा, शुभम चेक कर लेना, क्या हो गया यहां पर, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, कुछ तो है यहां पर, हाँ यहां पर 3 आएगा, यहां पर 2 2 जब 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, चलो आगे देखते, ये 3 हो जाएगा, हाँ यहां 3। हरिकेश यादव, हरिकेश सार्थक इधर, अब ये क्या हो जाएगा बेटा, अब इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करना है, ऐड करना है, मतलब 8 के साथ माइनस 15 और इसके साथ प्लस 7, 5 के साथ माइनस 5 और प्लस 0, माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5 और ये 0, यहां पर क्या आएगा 3 माइनस 10 और प्लस 3 बराबर 0 दिखाना, चेक करो 8 7 15 5, 15 में से 15 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 7 3 10, 10 में से 10 गया 0, ये भी 0 हो जाए, 0 बराबर 0, इधर देखो आलिया ठीक है, हो गया 0 आ गया, समझ रहे राम नयन मौर्य, ये सबको समझ में आया, चेक करो जल्दी से फटाक से बताओ, ये सबको समझ में आया, अगर ये समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर ये समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद इन्होंने कहा है कि इसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ दिस वी हैव टू फाइंड द ए इनवर्स, बाय द हेल्प ऑफ दिस वी हैव टू फाइंड द ए इनवर्स, चलो ठीक आगे चले, हाँ नो चलो आगे नेक्स्ट। अब देखो इधर देखना, एक बात बताओ ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7a बराबर 0। एक बच्चा पूछ रहा सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, प्लीज बताइए। शुरुआत से ही वीडियोस, अगर मैट्रिक्स की शुरू की वीडियोस देख लो, डिटर्मिनेंट की शुरू की वीडियोस देख लो, तो मैंने एक एक चीजें बताई, फिर भी अभी आपने पूछा है तो आपका पूरा सम्मान करते हुए मैं बता रहा हूं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में बहुत डिफरेंट भी है, बहुत सिमिलरिटीज भी है। एक्चुअल में जो मैट्रिक्स का यूज होता है बेटा, वो मैट्रिक्स का यूज इसलिए होता है फॉर
सॉल्विंग एनी टू लीनियर इक्वेशन, कोई भी दो लीनियर इक्वेशन हो तो उसका यूज करके, मैट्रिक्स का यूज करके हम लोग वहां पर से एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल लेते हैं। और सारणिक का यूज ये होता है कि जो लीनियर इक्वेशन है, जो रिप्रेजेंटेशन है, उनके सोल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। कभी कभी होता है दो इक्वेशन हो जाती हैं, दोनों पैरेलल हो जाती हैं, या दोनों इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है या यूनिक सोल्यूशन होता है। तो डिटरमिनेंट हमको बताता है कि इसके सोल्यूशन कैसे होंगे, पॉसिबल है या नहीं है, या ऐसा है या वैसा है, बहुत सारी चीज आप बेसिक में ऐसा जानो। ठीक है, चल आगे। अब ये सवाल ये था सर, ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सेवन आई इक्वल टू जीरो है, तो इसकी हेल्प से अपन को ये बताओ कि ए इनवर्स क्या होगा। ध्यान से नजरें स्क्रीन पर इधर, ए इनवर्स के लिए क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। सर प्री मल्टीप्लाई क्यों कराते हैं, प्री मल्टीप्लाई क्यों कराते हैं ये बता चुका हूं पिछले लेक्चर में। अगर मैं प्री मतलब बाद में, यहां पर ए स्क्वायर लिखा हुआ है, यहां पर अपन ने ए इनवर्स कर दिया, माइनस फाइव ए लिखा था यहां पर अपन ने ए इनवर्स कर दिया, यहां पर प्लस सेवन आई लिखा था यहां पर ए इनवर्स लिख दिया, यहां पर जीरो था यहां पर ए इनवर्स कर दिया। सर एक बात बताओ, मल्टीप्लाई ही तो कराना है, चाहे जिधर करा दो बेटा। वी आर यूपीएससी, यूपीएससी एस्पिरेंट बता रहा हूं बेटा, ऋषि यादव इधर। अब सर मल्टीप्लाई ही कराना था, चाहे जिधर करा देते, चाहे प्री करा दो चाहे पास्ट। यहां पर सर आपने पास्ट कराया, प्री नहीं कराया, यहां पर आपने सर प्री नहीं कराया, पास्ट कराया, बाद में कराया। प्री कराता तो इससे पहले कराता, तो हमने बाद में कराई मल्टीप्लाई। ठीक है, पास्ट मल्टीप्लाई कराइए। सवाल यह था कि सर आपने यहां पर मल्टीप्लाई बाद में क्यों कराई, पहले क्यों नहीं कराई। तो इसका सिंपल सा मतलब है यार, एक बात जान लो, कभी कभी क्या होता है, इन सम केसेस, कभी कभी कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जहां पर आपको, जैसे ये, जैसे मैं कहूं ए एक्स बराबर बी, जैसे ए एक्स बराबर बी, तो यहां पर बहुत ध्यान से देखो, यहां पर जो मैं ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कराऊंगा वो प्री कराऊंगा, मतलब इससे पहले कराऊंगा ऐसे, पर ये एक्स और ए इनवर्स बी, यहां पर मैंने प्री कराई है, यहां पर मैंने पास्ट कराई है, यहां पर हमने पास्ट पे कराई है और यहां पर हमने प्री पर। प्री पर क्यों कराई है वो ध्यान से समझो, प्री पर इसलिए करा दी बेटा, एक्चुअल में हुआ क्या, एक्चुअल में हुआ क्या कि यहां पर जो बी होता है, आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा, ये होता है टू वन या थ्री वन, ये कॉलम मैट्रिक्स होते हैं, तो मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करे इसके लिए ऐसा कराते हैं। तो इसके लिए मैं बता चुका हूं, आगे फिर से भी बताऊंगा। ठीक है, अभी आप आगे देखो, अगर अपन ने ऐसे मल्टीप्लाई कराया ए इनवर्स से, बाईपास्ट मल्टीप्लाई, हमने पास्ट में मल्टीप्लाई कराया, तो एक बात बताओ, ये जो ए स्क्वायर लिखा है इसको मैं ए ए ए इनवर्स लिख सकता हूं, माइनस फाइव ए ए इनवर्स क्या होता है, आई होता है, चेक कर लेना, ये क्या होता है आई, तो ये क्या हो जाएगा आई प्लस, आई का किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करा दो तो वही प्राप्त होगा तुम्हें, बराबर जीरो। बात समझ में आ रही मुस्कान? ठीक है बेटा, वीरेंद्र इधर, अनमोल एक बात बताओ, ए और ए इनवर्स जो है ना, ए और ए इनवर्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आई, ये ए आई माइनस फाइव आई प्लस सेवन ए इनवर्स बराबर से। यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं, यहां तक सबको समझ में आया? राहुल ये समझ में आया? प्रशांत यादव, शुभम कुमार, चलो अगर ये समझ में आया तो इसके आगे देखो, एक बात बताओ, आई का मल्टीप्लाई कहीं भी कराओगे वही आएगा ए ए आएगा, यहां पर माइनस फाइव आई, क्या मैं इसको इधर भेज दूं, ये माइनस सेवन ए इनवर्स हो जाएगा, भाई इधर प्लस है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा,
और एक चीज बताओ, ए की वैल्यू क्या है? ए बराबर इन्होंने दिया हुआ है 3-1 -1 और 2। और -5i का मतलब क्या है? 5 × 5 = 0, 0, 5, ये 7A इनवर्स, और ये कैसा होगा? निगेटिव। चलो एक बात बताओ, अगर ऐसा हुआ है तो -7A इनवर्स इक्वल टू क्या आ गया? अगर जोड़ेंगे तो 5, 3 मिलकर 8 हो जाए, और 1, 0 मिलकर, अच्छा सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। अगर मैं 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करूं -2, 1 में से 0 को करूं तो 1, -1 से 0 को करूं -1, और 2 में से 5 को करूं तो -3। और अगर A इनवर्स को इधर ले आऊं तो A इनवर्स बराबर 1/7, और इसका जो माइनस था अंदर मल्टीप्लाई करा दूं तो ये 2 -1, 1 और 3। चेक करो इसको आज पॉपुलेशन का, कोई बात नहीं, इधर देखो मैच करो इसको, यही आ रहा है, चेक करो यही आ रहा है, सबको समझ में आया? मिस्टी पांडे, सर मेरे इधर बाढ़ आ गई वैभव। चलो जिसको नहीं आया फिर से समझा रहा हूं, ठीक है मिस डेविल, देखता हूं। नहीं डायरेक्ट नहीं करना, इन्होंने कहा है इसकी हेल्प से, ध्यान से देखो इधर, इन्होंने कहा है इसकी हेल्प से, डायरेक्ट नहीं करना, इसका यूज करना है बाय द हेल्प ऑफ दिस, डायरेक्ट करने के लिए उसने कहा ही नहीं। जिनको नहीं समझ में आया वो एक बारी और देख लें, जिनको नहीं समझ में आया वो एक बारी और देख लें। और मैं एक क्वेश्चन देता हूं, इफ सेम टू सेम इसी तरह का, ए इज इक्वल टू, बस इसका सोल्यूशन पॉसिबल हो जाए बस, इफ ए इज इक्वल टू मैं कहूं 2, 1, 3, 0, ध्यान से देखना 2, 1, 3, 0, और हमने कहा ए स्क्वायर और क्या होगा? चलो अगर मैं कहूं ए स्क्वायर माइनस थ्री ए, एक इक्वेशन बना रहा हूं अपने से, थोड़ा सा आर्या एजुकेशन, आपने 12th कौन से ईयर में किया? 13-14 था क्या शायद? 13-14 में फाइनल हुआ। ए स्क्वायर माइनस थ्री ए, और अभी अपने से बना रहा हूं कोई इक्वेशन बना ले रहा हूं, एक मिनट वेट कर लो, बराबर फिर जीरो रख देना, चेक कर लेना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 7 3a 3 2 6 और प्लस i, ऐसा देख लो ऐसा बन जाए तो मजा आ जाए, 6 माइनस i लिखो, ऐसा बनना तो नहीं चाहिए, बनेगा नहीं, इक्वेशन ही नहीं बन पा रही, इक्वेशन नहीं बनेगी। कोई क्वेश्चन देखते हैं, मुस्कान बता दे रहा हूं, क्वेश्चन देखते हैं शायद बुक में ही हो तो समझा दे ज्यादा अच्छे से, ऐसे में इक्वेशन बनने में बड़ी आफत, पता नहीं सही इक्वेशन बने कि ना बने। चलो देखते हैं बुक में हो तो, एग्जांपल देखते हैं क्वेश्चंस का ध्यान से, एक क्वेश्चन इस टाइप का और करा दूं ना, हाँ ये मिल गया, चलो मिल गया एक क्वेश्चन मिल गया, देखो
कह रहा है ए इज इक्वल टू 2312 एंड ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई बराबर जी, ये दिख गया। चल ये दिख गया। आजा बेटा जेई की क्लास का अभी मैं देखता हूं कंप्यूटर महोदय से उन्होंने क्यों नहीं लगाया है, क्या इश्यू है, क्या दिक्कत है, अभी मैं बात करके डिस्कस करके आपको इन्फॉर्म कर दूंगा ग्रुप पे, ये मैं बताया हूं। ठीक है, ये बनेगा। ये देखो, ये देखो, ये क्वेश्चन मिल गया। ये क्वेश्चन कह रहा है सर ए इज इक्वल टू 2312 एंड इतना। पहले हमको ये दिखाना है, सबसे पहले अपन को ये दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, ए स्क्वायर निकाल लो, ए ये है तो ए स्क्वायर क्या होगा बेटा, ए इंटू ए बराबर में क्या होगा, ये 23 मेरे साथ करो सभी लोग फटाक से 2312। अगर ऐसा करोगे तो ये क्या होगा, 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3 7 हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6 12 हो जाएगा। कर लेना विजय। हाँ हाँ, अब 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2 2 2 4 1 3 जा 3 2 2 जा 4 सेम यही आएगा। चेक कर लो, इधर देखना ए स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। अगर ये ए स्क्वायर की वैल्यू है बेटा तो इस ए स्क्वायर की जगह वैल्यू रख दो 7 12 4 7 एक बार चेक कर लेना मल्टीप्लाई सही हुआ है। 2 2 जा 4 3 1 जा 3 7 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6 1 2 जा 2 2 1 जा 2 1 3 जा 3 2 2 जा 4 सही। अब एक बात बताओ, माइनस 4a, 4 का मतलब जानते हो ये जो a है ना, इस पर 4 का मल्टीप्लाई करा दो हर एक एलिमेंट पे, तो 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 1 जा 4 4 2 जा 8 प्लस i यहां पर 1001 बराबर जी। ध्यान से देखो 7 और 1 मिलकर 8 हो जाएंगे, 7 माइनस 8 प्लस 1 12 माइनस 12 प्लस 0 7 माइनस 4 प्लस 0 7 माइनस 8 प्लस 1 बराबर 0। ध्यान से देखो 7 और 1 मिलकर 8 से 8 कट गया, 12 से 12 4 से 4 0 बराबर 0 ये सो हो गया। ये दिख गया सभी का, वेरी गुड दिख गया ये, अभी क्लियर है। अब कह रहा है सर इसी का यूज करके बाय यूजिंग दिस We have to find A inverse. तो ये क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो, A square minus 4A plus I बराबर 0 plus I बराबर 0। अच्छा अब इसको देखो क्लियर। अब ये बताओ वैभव इधर देखो, अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे, पास्ट मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर आपकी मर्जी है यहां पर आप प्री भी मल्टीप्लाई करा सकते हो। मैं एक बार प्री और पास्ट के बारे में फिर से बता रहा हूं, यहां पर बेटा आप प्री भी मल्टीप्लाई करा सकते हो। अगर यहां पर आप ऐसे लिख दो ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 4 ए इनवर्स ए और प्लस ए इनवर्स आई, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। प्री और पास्ट यहां पर कराओ, चाहे प्री करा दो चाहे पास्ट करो, यहां पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। दिक्कत कहां पे होने वाली है सर, सर दिक्कत होती कहां है, तो दिक्कत मैं एक मिनट आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत ध्यान से समझना, थोड़ी देर कमेंट रोकना, जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझो। दिक्कत कहां होती, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर आप चाहे प्री कराओ चाहे पास्ट कराओ चाहे जो सा कराओ यार, क्यों, क्योंकि यहां पर सारी मैट्रिक्स सेम तरह की। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, सपोज करो मैंने कहा ए बराबर, सपोज करो मैंने कहा ए बराबर 1 2 3 4 सपोज करना, मैंने कहा बी बराबर एक्स वाई और मैंने कहा सी बराबर 1 2
और कंडीशन दे दी ए बी बराबर सी। ए बी बराबर मैंने कह दिया सी, और उस समय मैं आपसे कहता कि फाइंड एक्स एंड वाई, तो आपको ये वाला ए उधर भेजना पड़ेगा। अगर आप ऐसा चाहते हो कि बी बराबर एक्स वाई है इधर मैट्रिक्स, ये ए उधर चला जाए सी ए इनवर्स, ये गलत हो जाए। अगर आप इस ए को उधर भेजें ऐसे ए इनवर्स सी, तो ये बात सही हो जाएगी। सवाल ये था सर ऐसा यहां पर क्यों होगा कि बाद में करा दिए तो सही है, यहां पर अगर अपन लोग पास्ट मल्टीप्लाई का ए इनवर्स का मल्टीप्लाई बाद में कराएं तो यहां दिक्कत हो जाएगी, यहां पर ये गलत हो जाएगा और ये सही। ऐसा क्यों है सर? ऐसा इसलिए यहां पर सी मैट्रिक्स देखो 2x1 की है और एक ऐसी मैट्रिक्स है 2x2, तो इसका इनवर्स भी 2x2 का होगा, और अगर इसका इनवर्स 2x2 का होगा, सी मैट्रिक्स है 2x1 की और ये है इनवर्स जो है वो कैसा है 2x2 का, तो क्या इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल है? कभी जिंदगी पॉसिबल, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स 2x2 और सी 2x1। अब इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल है तो यहां पर अपन ने क्या किया, प्री मल्टीप्लाई। यहां पर प्री और पास्ट का मतलब है, वहां पर प्री और पास्ट का कोई मतलब नहीं। बात समझ पाए? इसलिए मैंने आपको प्री और पास्ट समझाया। तो यहां पर हम लोग चाहे प्री कराएं चाहे पास्ट कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपन लोग पास्ट ही कराते। ये ए स्क्वायर है तो ए इनवर्स माइनस 4a, ए इनवर्स पास्ट इसलिए करा रहे यहां पे 4 पे भी ये बीच में है तो इससे अच्छा पास्ट ही कराओ, प्लस आई ए इनवर्स बराबर 0 ए इनवर्स। तो ए स्क्वायर ए इनवर्स की वैल्यू ए आई हो जाएगी, ए इनवर्स क्या हो जाएगा 4i हो जाएगा, आई इसमें किसी का भी मल्टीप्लाई कराओगे ए इनवर्स आ जाएगा, बराबर में 0। तो एक बात बताओ, ए इनवर्स बराबर ए का यहां पे मल्टीप्लाई कराओ, ए इनवर्स बराबर क्या मैं ये कह सकता हूं इसको माइनस ए और प्लस 4i, और ए क्या है अपना, ध्यान से देखो ए जो है वो है बेटा 2312 प्लस 4i, 4 1 4 0 0 4, और ये माइनस होने की वजह से ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ठीक है। प्री मतलब बेटा जितेंद्र पहले, पास्ट मतलब बाद में, प्री मतलब पहले पास्ट मतलब बाद में। विशाल एक तो ये कैलकुलेशन का है, इधर बताओ इधर इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, माइनस 2 और प्लस 4 2 आएगा, माइनस 3 आएगा, माइनस 1 0, माइनस 1 आएगा, माइनस 2 प्लस 2, ये ए इनवर्स। ये बात समझ में आई बेटा? मुझसे ये नहीं पता कौन हुई कौन, इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे चलो जल्दी से इसको नोट कर लो आगे चलो। जल्दी से कर लो तो आगे चल, क्लियर? चल चल आगे चल रहे हैं हम लोग। सर क्लास 12th की ओल्ड 6 बुक्स, आर एजुकेशन सर आप क्लास 12th की ओल्ड 6 बुक्स मैथ्स की पढ़ा दोगे टीजीटी की प्रिपरेशन करने? आई विल ट्राई, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं देख सकूं, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा मुझे, मैं पूरी कोशिश लेकिन करता हूं कि मैं यहीं पर पॉसिबल अगर हो जाए तो करा दूं, ठीक है। इधर आगे चलते अब अपन लोग, अब अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस करें, मतलब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग बात करें, अभी हम लोग कौन सा 13, अब 14 देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 14 जो है अब्यू ए इज इक्वल टू ए बराबर 3211 के लिए ए और बी ऐसी संख्या ज्ञात की ताकि वी हैव टू फाइंड ए स्क्वायर प्लस ए ए प्लस बी आई बराबर 0। चलो इसमें कुछ नहीं करना, बहुत ध्यान से, हाँ 17-18 बताएंगे अभी। इधर इधर थोड़ा सर इधर, तुम लोगों के चक्कर में तुम लोग इतने फालतू कमेंट करते रहते, बतियाते रहते हो ना, तुम्हारे चक्कर में जो जरूरी कमेंट होता है वो भी नहीं देखता, छूट जाता है। शिवम चक्रवर्ती, प्री पोस्ट हजार बार बता चुका हूं उतनी देर से। प्री का मतलब पहले मल्टीप्लाई कराओ ए इनवर्स का, या तो बदिया में कराओ, और क्यों कराओ ये भी बताया। कभी कभी मैट्रिक्स का आर्डर डिफरेंट डिफरेंट होता है बेटवा, फूटने ना लगूं सबको मैं अभी। ठीक है इधर अब एक बात बताओ, ए इक्वल टू 3211 ए स्क्वायर ए ए प्लस बी आई बराबर 0। एक बात बताओ ए स्क्वायर क्या होएगा, ए स्क्वायर बराबर ए क्रॉस ए 3211 क्रॉस मल्टीप्लाई कराबो 3211 यही होगा। इधर मल्टीप्लाई करबो तो क्या आएगा, 3 जा 9 प्लस 21 जा 2, 3 2 जा 6 21 जा 2, 1 3 जा 3 11 जा 1, 1 2 जा 2 11 जा। चलो ये कितना आ जाएगा 11 8 4 3। अमृत इधर देखो यही आएगा 11 8 4 3। अब एक बात बताओ ए स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रख दूं तो ए स्क्वायर की जगह ये वैल्यू क्या जाएगी 11 8 4 3 प्लस ए। ए क्या है हमारा, ये 3211 स्मॉल ए का मल्टीप्लाई कराओ 3a, ए का मल्टीप्लाई 2a, ए का मल्टीप्लाई ए और ए प्लस बी आई। आई क्या होता है 1001। तो अगर आई क्या है 1001 तो बी का मल्टीप्लाई कराओ तो बी बन जा बी 0 0 और ये बी बराबर 0 0। ये अभी आर्डर चेक ऐसे करता हूं ध्यान से। चलो इधर इधर एक बात बताओ, तीनों को ऐड करूं, अगर मैं तीनों को ऐड करूं 11 प्लस 3a प्लस b, 11 प्लस 3a प्लस b और ये क्या आएगा 8 प्लस 2a प्लस b कर लो, और ये कितना आएगा 3 4 प्लस a प्लस 0 3 प्लस a प्लस बी। एक बार चेक कर लेना, यहां पर 8 प्लस 2 है ये 0 ये नहीं है, और क्या नहीं आएगा 8 2 है और ये 0, 4 a और ये 0, 3 a प्लस बी बराबर 0। चलो अब इसको सॉल्व करो, ये दोनों आपस में कब बराबर होंगे, सर यहां वी वोल्ट है, यहां वोल्ट वोल्ट कुछ नहीं है ना, बी फॉर बी, बी इज अ नॉन नोइंग नंबर। आगे देखें
चलो एक बात बताओ, 4 प्लस ए बराबर क्या है? जीरो। भाई हमको ए और बी की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम किसी भी को कंपेयर करा दे, ये दोनों बराबर कब होंगे? जब इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे के बराबर होंगे तभी ये बराबर होंगे। तो मैं क्या कहूं, यहां पर इसको दिखाने का कोई मतलब नहीं, बहुत बड़े है। अपन 4 प्लस ए बराबर क्या दिखा दें? जीरो। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 4। और अगर 3 प्लस ए प्लस बी बराबर जीरो दिखा दें और ए की वैल्यू माइनस 4 है प्लस बी बराबर जीरो, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। चेक कर लो, यही आ रही है, बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू माइनस 4। यहां पर देख लो, चाहे यहां पर से दिखा देते 2a, 8a प्लस 2 बराबर 0, a बराबर माइनस 4। आगे चले, हो गया सबको समझ में आए? ये क्लास चलता है बेटा 10 बजे से। ये सबको समझ में आ गया कि नहीं? जल्दी से फटाक से बताओ, अगर आ गया टेक ए स्क्रीनशॉट। ये बात समझ में आ गया? टेक ए स्क्रीनशॉट, समझ में आ गया? विनीता सिंह, आदर्श, सबको समझ में आ गया? शिवम, जल्दी से फटाक से बता तो आगे चले। आगे चले, आर्या, मुझे बुक आप भेज दीजिए। एक्चुअल मेरा 13-14 का है और उस समय मैं सीबीएसई से था, आप भेज दीजिएगा मेरे पास। वैभव, आगे चले, चल आप भेज दीजिएगा मुझे, चल आगे चलते। अच्छा एक बात बताओ, इसके बाद का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 सेम टू सेम ऐसे ही लगेगा, इसका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, वो मुझसे मत कराओ। एक तो वो 3x3 का है बेटवा, ऊपर से उस पर ए क्यूब माइनस क्या क्या है, इतना ज्यादा कैलकुलेशन है, अपन से ना कराओ। ठीक है हर्ष, ठीक अंजलि। और इसके बाद 16 नंबर भी बहुत कैलकुलेशन, 15 और 16 हमसे ना कराओ, हमसे 17 और 18 करवा लो। 15 और 16 आप लोग करना ना आएगा तो हम बता देंगे। गौरव, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन है बेटा, उसमें कुछ दम है ही नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन। वेरी गुड सर, 15 लगा लिए, हो जाएगा सर। ठीक है बाबा, ठीक है आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बता रहा हूं मैं आपको, 17 बता दूं, क्रैमर बताऊंगा बेटा, क्रैमर रूल बताऊंगा, परेशान हो, 17 बता दूं। अंजलि बेटा 3x3 का बताया हूं इससे पहले, एडजॉइंट निकालना बताया हूं, ए इनवर्स निकालना बताया हूं, और कोई नया है ही नहीं उसमें। अगर कहो तो 17 नंबर बता दूं, जल्दी से बताओ। जल्दी से रिप्लाई करो, ये क्या है? यदि ए 3x3 कोटि का वर्ग अव्यूह हो तो, सत्रह बता रहा हूं, 17 ठीक ठीक है, मैं दे दे रहा हूं मैं आपको। कह रहा है ए जो है बेटा, ए 3x3 कोटि का कोई वर्गाव्यूह है और
तो एडजॉइंट ए किसके बराबर होगा, ये एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होगा, ये पूछ रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 17 बता रहा हूं, 17 देखो, हास नजरें स्क्रीन पर, 17 कह रहा है कि एडजॉइंट ए निकालो, एडजॉइंट ए किसके बराबर होगा, 17 नंबर है, किसके बराबर होगा। और अगर मैं कहूं किसके बराबर होगा, तो एक बात बताओ, एक बात तुम्हें बताई थी हमने, याद हो तुम्हें तो, एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए बराबर क्या होता है, ये बात याद है तुम्हें, ये बात कितनों को याद है, जितेन लाऊंगा बेटवा थोड़ा सा लाऊंगा, आदर्श 18 भी बताऊंगा, बताऊंगा 18 भी, इसको देखो ये याद है अरविंद, अर्जुन कह रहा 12th क्लास पास विदाउट गिविंग एग्जाम, ये सबको याद है ना, अगर ये सबको याद है तो एक बात बताओ, अगर अगर मैं ये कहूं एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए बराबर, इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये मैट्रिक्स ही रहता है, ये अभी मैट्रिक्स ही है, अभी ये मैट्रिक्स ही है, अगर मैं इसका सारणिक ले लूं दोनों साइड, तो ये इसका और इसका, इन दोनों का सारणिक हो जाएगा, और इन तीनों की अभी मैट्रिक्स जब था ये, तो तीनों से अगर कॉमन लोगे तो ये क्यूब हो जाएगा, नहीं सॉरी मैट्रिक्स पे नहीं, जब हम सारणिक निकालेंगे तो अब ये सारणिक पे कन्वर्ट हो गया, जब ये मैट्रिक्स था तब इस पर मल्टीप्लाई कराया, ध्यान से समझना, वैभव नहीं भूला हूं, वैभव भूला नहीं हूं, जब ये बेटा मैट्रिक्स था तब मैंने इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये सारणिक, ये जो सारणिक ए था डिटर्मिनेंट ए, इसका मल्टीप्लाई हर एक अवयव पे हुआ, और जब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहा था किसका, इसका चेक करो, अब इसका हम लोग क्या निकाल रहे, डिटर्मिनेंट, तो अब डिटर्मिनेंट जब निकालो बेटा, तो हर जगह से रो से भी कॉमन, R2 से भी कॉमन, R3 से भी कॉमन, अगर हर जगह से कॉमन ले बो तो ये क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट का क्यूब हो जाएगा, अगर ये डिटरमिनेंट का क्यूब हो जाएगा तो यहां क्या बचेगा, 100 010 और 001, और यहां पर क्या है, ध्यान से देखो, यहां पर एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ए और ये डिटर्मिनेंट ए क्यूब, और इसका अगर सारणिक निकालोगे तो वैल्यू वन आएगी, वन लेबो वन वन जा वन, केवल वन आएगा मल्टीप्लाई में, एक सारणिक से एक सारणिक गया दो बचा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, चेक कर लो, समझ में आया, रोहित बेटा जेई की क्लास का भी मैं डिस्कस करके बताता हूँ कंप्यूटर महोदय से, मैंने बताया जैसा भी होगा मैं अपडेट कर दूंगा ग्रुप पे, चलो इधर ध्यान दो, शिवम सबको आ गया समझ में, हाँ शोनी ए क्यूब, ओ डिटर्मिनेंट ए क्यूब क्यों, क्योंकि देखो आप व्यू में मैंने बताया है कि जब मल्टीप्लाई करवो तो इन ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट पे करवो, और जब डिटर्मिनेंट पे करबो तो किसी फिक्स रो पे या फिर किसी फिक्स कॉलम पे करबो, और जब कॉमन लेबो तो मैट्रिक्स में सबसे लेना है हर एक एलिमेंट से, लेकिन इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट यू कैन ओनली टेक अ कॉमन विद अ फिक्स रो और कॉलम, अगर ये फिक्स है तो ये समझ रहे, आगे चले, चलो अगर ये बात समझ में आई, एक बात और कुछ बता रहा था क्या, नहीं इतनी बात ही थी,
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18, आदर्श विवेक, ठीक है एक बार और बता देंगे। हाँ बेटा आदर्श, चलो सॉरी। अच्छा एक बात होता, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ दो। आशुतोष आदर्श, चलो रिपीट, इसको रिपीट कर दे रहा हूं। पहले 18 देख लो, समय बहुत कम है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है यदि, बहुत ध्यान से पहली बात तो सब लोग एकदम थम जाओ, 18 पे फोकस कर लो, नहीं फिर भटकबो कि सर 18 कैसे आया, कैसे आए हो तुम इस दुनिया में, गाना गाबो। क्वेश्चन नंबर 18 सुनो, कह रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, मतलब हिंदी में यदि एक कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय अव्यूह है तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स किसके बराबर है, चेक करो। कह रहा है सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसके बराबर होगा, ध्यान से अभी 17 समझा दूंगा फिर से। आदर्श याद हो तुम भी बेटा, खूबी राम तुम्हें इतना कूटूंगा ना, इधर फोकस करो नहीं तो कूट दूंगा अब तुम्हें मैं। गौरव, गौरव बता रहे बेटा, वो रूल बता दूंगा, परेशान मत हो। इधर मनीष एक बात बताओ, ये डिटर्मिनेंट किसके बराबर है, एक बात हमने आपको बताई थी, एक बात बात कहें क्या इजाजत है, इनवर्स बराबर आई होता है, याद है तुम्हें कुछ ऐसा, कुछ याद है अपन को। संतोष सर आज मैं भी आ गया हूं बहुत दिन बाद, हर्ष शिवम 18 बता रहा हूं ना, लाइक इसको देखो, प्रशांत गेमिंग कह रहा है, प्रशांत कह रहा है सर आपको मेरी चैट सीन नहीं होती है, होती है बेटा होती है, मुस्कुरा के बोल रहा है। ये थोड़ा सा बोर्ड चालू हो जाए तब तक मैं देख लूं तुम सबके कारस्तानियां क्या क्या है। विवेक समझा रहा हूं, सचिन सर मेरा नाम नहीं ले तो ले लिया बेटवा सचिन, बेटवा भूपेंद्र क्रैमर विधि आके नालायक बता दूंगा। अभिषेक सर ने वो स्टूडेंट स्वागत है, हरी केस हरी केस दिख रहा है बेटा,
18 नंबर देखो, अब 18 नंबर बहुत ध्यान से, अब 18 कमेंट नहीं देख रहा हूं, बिल्कुल मत करो। 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि ए ए इनवर्स इक्वल टू आई, मतलब वो कह रहा है कि सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसके बराबर है, तो ए ए इनवर्स बराबर क्या होता है, आई होता है। इफ वी आर टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, अगर अपन लोग दोनों पक्षों में सारणिक ले लें तो क्या होगा, ए क्या हो जाएगा, सारणिक ए ए इनवर्स बराबर आई। अच्छा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, वन, चेक करो यही तो होगा। और ए ए इनवर्स को ऐसे लिख सकता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ये इधर चला जाएगा, वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये डिटर्मिनेंट है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, चेक कर लो। बात समझ में आ गई, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, अगर ऐसा कोई ऑप्शन हो तो टिक कर लो। मैं अभी आके बताता हूं, इन्फॉर्म करता हूं आपसे, अब समझ गए। हाँ हरिकेश यादव वही है, वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए, समझ में आया, इसको डिटर्मिनेंट ए ही पढ़ते, जो ये है वही है, समझ में आ गया। मनीष सर कैसे होगा ये, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर 2x2 की है, 1001 तो 1 1 1 जा 1 0 0 0 बराबर 1 ही तो होगा, चेक कर लो एक बार। 17 नंबर फिर से देख लो, 17 नंबर ये था, इधर देखो, अब इसका मल्टीप्लाई हर जगह करा सकते हैं, यहां 17 वाला एक बारी फिर से देख लो, इसका हर जगह कराओगे, ये 0 0 0 0 0 0 अगर मैं इसको ये कर दूं, डिटर्मिनेंट कर दूं, अगर अब मैं इसको डिटर्मिनेंट कर दूं तो एक बात बताओ, ऐसे हो जाएगा, और इस डिटर्मिनेंट को ऐसे लिख सकता हूं, अब अगर ये डिटर्मिनेंट हो गया तो अब रो वन से, आर वन से, आर टू से और आर थ्री से डिटर्मिनेंट ए कॉमन लेने पर, तो यहां से लोगे तो 1 2 और 3, अगर इसको सॉल्व करोगे तो 1 आएगा इस तरह से, ये देखो, समझ में आया। आज ये खत्म, कल का लेक्चर ना छोड़ना, कल बेटा हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे और 4.6 का इंट्रोडक्शन देखेंगे, तो कल जरूर आना, कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं तो बाद में आबो तो फिर भटकबो कि सर क्या है क्या नहीं है कैसे हुआ क्या, दुनिया भर का नाटक हुआ। मैं आ रहा हूं बेटा, एस्पिरेंट यूपीएससी एस्पिरेंट बता रहा हूं बेटा, प्रशांत गेमिंग सभी लोग खूबी राम, चलो चलते हैं, बाय बाय टाटा, लव यू ऑल, सभी लोग पढ़ाई करो मजे करो, आई एम ऑलवेज विथ यू ऑल, चलते हैं बेटा, बाय बाय टाटा। हाँ ये एक्सरसाइज खत्म, विवेक सभी लोग ये एक्सरसाइज खत्म, चलो।